निकाल गाइस निकाल ले भाई साहब, गंद बड़ा हुआ है ये सारा, क्लीन करने पड़ेगा। ले फोन तेरा, पेपर ले। तो गाइस नाइट राइड फर्स्ट टाइम मेरी, तो मैं इसलिए जा रहा हूँ। बार पहली बात तो ये कि ठीक है, लॉकडाउन लगने वाला तो उसके बाद तो निकलना मुश्किल है। सेकंड, जब से मेरी एकेडमी बंद हुई है, ऑनलाइन क्लासेस का सीन चला, तब से मतलब लग जाएगी। एक तो ना यहाँ पे स्पेस बनाना पड़ेगा, इस रेत की वजह से ना थोड़ा साइड कर इसको, बाइक को लगाने में दिक्कत आ रही है, गाड़ियों को लगाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ऐसे तो मैं घर पे ले जाता हूँ, बट फिर बारिश लगे तो गिल्ली होने का डर होता है। बंद कर दे इसको। कर दिया, चलो भाई, ठंडी है बाइक, चल कोई नहीं, गर्म हो जाएगी। लेकिन आप ऐसा मत करना मेरी तरह, ठीक है, पहले थोड़ा सा मतलब वार्म अप होने देना अपने बाइक को, उसके बाद ठीक है। और मैं ये तो बंद कर नहीं सकता अपना जो ये है मतलब वाइजर, क्योंकि ब्लैक है सारा, तो नहीं तो देखने में फिर मुश्किल हो जाएगी रात को। नाइट राइड पे मैंने अभी जाना नहीं था, क्योंकि अभी कर्फ्यू वगैरह का भी सीन है, आपको पता ही है। जो ये वीडियो है शूट कर रहा हूँ 9 मई को, ठीक है, और 10 मई से जो हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये मतलब डिसीज़न लिया गया है कि 10 मई सुबह 6 बजे से लेकर 17 मई तक सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। जो अपना 144 धारा है, ठीक है, वो गाना ना एक धारा 144 का ऐलान हो गया, वो कुछ ऐसा करके, ठीक है, तो वही उसका ऐलान हो चुका है कांगड़ा, ये अपने हिमाचल में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हो चुका, बाकी तो मुझे नहीं पता, ठीक है, अपने का ही पता है मुझे। GoPro की जो क्वालिटी है उसका भी पता चल जाएगा नाइट क्वालिटी का। और अपनी स्कूटी का मैंने ना एक फ़ीचर देखना था, क्योंकि VS6 इंजन है, तो देखते हैं स्कूटी में भी वो फ़ीचर है कि नहीं। अब वो क्या फ़ीचर है वो मैं आपको सीधे आगे बताता हूँ, पहले ऐसा करता हूँ, पहले सिटी में पहुँच जाते हैं ना, उसके बाद बात करता हूँ, क्योंकि फिर आगे अभी इसके आगे ये जो हॉस्टल है ना, इसके आगे फिर थोड़ा जंगल जैसा है, तो मैं सिटी में जाके करता हूँ आपसे बात। अपना भाई पीछे रह गया यार, डीओ है उसके पास, आ रहा है आ रहा है, आ जाओ भाई आ जाओ। वैसे इसकी ना डीओ की LED लाइट्स सही में बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल वाइट, मतलब RC में तो प्रोजेक्टर्स है ना, तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते, बट यार सही में बहुत ब्राइट वाइट लाइट्स हैं, दूध की तरह, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। मैंने ऐसे बहुत सी नाइट राइड मारी है, ठीक है, नाइट राइड, और वैसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, वैसे बोल नहीं सकते क्योंकि फैमिली वाले भी वीडियो देखते हैं, तो समझ जाओ, ठीक है, नाइट राइड, ठीक है, बहुत की है, बट फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ जो मैं चैनल पे अपलोड करूँगा, और मुझे नहीं पता कैसी वीडियो बनेगी कैसी नहीं, ठीक है। तो अभी मतलब ऊपर चलेंगे सिटी में, उधर देखते हैं क्या मिलता है अपने को, अगर कुछ मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम यार भाई, यार खुशी का ठिकाना नहीं है मेरा, जब से मतलब GoPro आया है ना भाई साहब, मैं क्या ही बताऊँ,
ये रहा हमारा मंदिर, कुणाल पथरी मंदिर। मतलब हर एक मोटर ब्लॉगर का ड्रीम होता है, हर एक मोटर ड्रीम क्या बोल सकते हैं, मतलब ड्रीम कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट करता है तो मतलब बजट कैमराज ही यूज़ करता है सबसे पहले, तो फिर उसका एक ड्रीम होता है कि यार उस वो जो मोटर ब्लॉगिंग कर रहा तो उसके पास भी यार GoPro हो। और क्योंकि GoPro एक ऐसी कंपनी है ना एक्शन कैमराज की। ओए लेफ्ट साइड चल, ओ हेलो लेफ्ट साइड चल, ठीक है अपनी लेन में चल, तो आगे चलना तो आगे चल, और अगर पीछे चलना तो अपनी लेन में चल, आगे चलना तो आगे चल पड़। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि मतलब ना GoPro, क्योंकि हर एक मोटर ब्लॉगर का ये एक ड्रीम इसलिए होता है क्योंकि देखो GoPro एक ऐसी कंपनी है ना एक्शन कैमराज में, जैसे मोबाइल फोन्स में है ना आईफोन आप समझ सकते हो, ठीक है कि मोबाइल फ़ोन्स में जिसके पास आईफोन होगा तो आईफोन यूज़ करते हैं, तो वो किस तरह की कंपनी है, मतलब कितनी एक्सपेंसिव है, तो उसमें फीचर्स भी सही हैं, ठीक है, तो उसी तरह से GoPro है एक्शन कैमराज में, तो आप समझ सकते हो मैं क्या मतलब आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से रख लो कि सिटी स्टार्ट है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई क्या चेक करने आए हैं हम, थोड़ा सिटी भी घूमेंगे। मुझे नहीं पता यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता कि मतलब क्या है, ठीक है, बस इतना ही कि नाइट राइड है, नॉर्मल घूमने जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, घूमने तो नहीं, मतलब ऐसे नाइट राइड है, सिंपली जा रहे हैं, ठीक है। तो रुको अभी इसको सुन, यहाँ से चल, यहाँ से, अच्छा चल ऊपर से चल, ठीक है, इधर आ जा, आ जा। क्या साइंस है भाई। तो हम क्या चेक करेंगे कि सबसे पहले तो मतलब जैसे इन बाइक्स में होता ना, अब 390 जो है RC का तो मुझे नहीं पता, ड्यूक 390 में क्या है कि अगर आप की ऑफ कर देते हो, ठीक है, पूरी की ऑफ कर देते हो बाइक की, ठीक है, तो क्या है कि आपकी जो हेडलाइट्स हैं वो ऑन रहेंगी रात के टाइम पे भी, दिन के टाइम में भी, मतलब जब आपकी बाइक चली होगी और आपकी की ऑफ है तो लाइट्स ऑन होंगी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये डे में होता है कि नहीं, आई थिंक उसमें सेंसर है मतलब नाइट सेंसर कुछ ही बोल सकते हो, डिटेक्ट करता है लाइट को, अगर लाइट ना हो तो भाई उसकी, क्योंकि दिन में आई डोंट नो मतलब जलती है कि नहीं उसकी लाइट्स, लेकिन 125 जो मेरी RC है, ठीक है, इसमें क्या होता है RC 125 में, जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्या होता है इसमें, पहले मतलब घूम लेते हैं ना ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम थोड़ा सीन वगैरह देख लेते हैं ऊपर है क्या, क्योंकि कल से तो लॉकडाउन है, तो देख लेते हैं ऊपर बाजार वगैरह है, ओपन नहीं है इस टाइम पे या बंद हो चुके हैं, वो भी देख लेते हैं। ये है हमारा मैक्सिमस मॉल ऊपर, ये लेफ्ट साइड पे ये मॉल है, ये देखो गाइस अभी मैंने, ये देखो बाइक ऑफ है, ये देखो ये, और मेरे को ये किल स्विच ऑन करना पड़ेगा तो मेरी जो है हेडलाइट ऑन रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे पता तो लग नहीं रहा होगा, लेकिन देख सकते हो थोड़ा सा लग रहा होगा पता, मैं यहाँ पे भी लग रहा होगा पता, ठीक है, किल स्विच ऑन है तो, अगर ऑफ़ कर दूंगा तो नहीं होगा, इसमें ऐसा होता है, और जो अपनी 390 है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें अगर आप पूरी की ऑफ़ कर दोगे ना तो बाइक की लाइट्स जो ऑन रहेंगी, वो सेफ्टी फीचर है, ठीक है, अब महंगी बाइक है तो उसमें होगा। तो मैं यही चेक करूँगा कि BS6 इंजन है, इससे पहले नहीं था ये, ठीक है, तो मैं इसमें चेक करूँगा कि इसमें है या नहीं, मतलब जो हमारी स्कूटी है इसमें होता है या नहीं होता है, बाकी देख लो आप। यहाँ पे सिटी घुमा देता हूँ मैं आपको थोड़ी सी, भाई भगा तो सकते नहीं इस टाइम पे, क्योंकि क्या पता कोई डॉग वगैरह बीच में आ गया तो भाई कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये अभी बैठे हुए हैं डॉग्स। भाई साहब, भाई यहाँ पे बैरियर्स लगाए हुए हैं, यहाँ पे भाई पुलिस वाले भी बैठे थे यार, रोक लेते ना तो भाई सीन हो जाना था अपना। भाई साहब बैरियर्स लगा के बैठे यार यहाँ पे, मैंने तो देखा ही नहीं उनकी तरफ, क्योंकि मैंने मास्क नहीं लगाया था यार, ना मेरे पास मास्क था,
क्योंकि मैंने सोचा रात को जा रहा हूँ, किसी से मिलूंगा नहीं, कोई कुछ नहीं, तो मास्क क्यों लगाना, हेलमेट लगाया। बट यार सही में अगर, इसीलिए मैंने उनकी तरफ नहीं देखा क्योंकि मैंने मास्क नहीं पहना था, और अगर मैं देख लेता ना तो भाई क्या पता वो रोक भी लेते और गेम भी हो जानी थी। आई डोंट नो कैमरे में कैप्चर हुई है वो पुलिस या नहीं, बट यार सही में राइट साइड पे थी पुलिस, अब मैं दोबारा तो नहीं जाने वाला उधर। कोई भी नहीं है भाई इस टाइम पे, कोई भी नहीं। अभी 9 ही बजे हैं पूरे, पहले मतलब कर्फ्यू के पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था यहाँ पे, सारे मतलब लोग होते थे इधर उधर, ठीक है, दुकानें वगैरह सारी ओपन होती थी। बट अभी इस टाइम पे सिटी में कोई भी नहीं यार, सिटी है और ये देख लो आप सिटी के ये हाल है, देखो सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है भाई, सारा कुछ पूरी। मैंने सोचा कोई ना कोई तो होगा, बट नहीं कोई भी नहीं है। ये है जेल भाई, देखो ये लाला लाजपत राय इस जेल का नाम है, ठीक है। हाँ सब कुछ बंद है भाई, अभी 9 भी नहीं बजे और पूरा मतलब पूरी सिटी बंद है यार, पूरी सिटी भाई साहब ऐसा लग रहा है लॉकडाउन लगा हुआ है। बट अभी तो घूम सकते हैं नॉर्मल, जो आप देखा ना अपने गाड़ियाँ भी आ रही हैं, एक दो गाड़ी मिली हमें, ठीक है, तो मतलब अभी तो आ सकते, लेकिन कल से भाई, कल से तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद है सब कुछ, ठीक है। जो बाहर मिला ना भाई तो उसके एल लगेंगे फिर। ये हमारा कॉलेज, कॉलेज पूरा सन्नाटा भाई, यहाँ की तो हरियाली दिखी नहीं हमें कब की, जब से कोरोना आया ना भाई, जब से मैंने बाइक ली है ना भाई, मेरे को घूमने का यहाँ मौका ही नहीं मिला यार। जब मैं यहाँ पे स्कूल में पढ़ता था ना, बॉय स्कूल में, ये रहा मेरा स्कूल, जब मैं स्कूल में था तब गेड़ियाँ सेड़ियाँ मारते थे, और जब से बाइक ली ना, जब से अपना व्हीकल आ गया ना भाई, उसके बाद से तो गेड़ियाँ सेड़ियाँ क्या मार लें यार, हरियाली नहीं है तो कोई समझ रहे हो ना तब से भाई कॉलेज बंद है, आज तक ओपन ही नहीं हुआ। बंद है भाई रोड, देखो यार पूरा बंद, और ये पार्क भी बंद कर दिए गए, लाइट्स वगैरह है नहीं। मैंने आपको कहा था एक वीडियो में कैमरा लगे हैं, वो देखो ऊपर, आई डोंट नो मतलब कैमरे में कैप्चर हुआ या नहीं, बट ऊपर कैमराज लगे हैं। और गाइज मैंने आपको एक वीडियो में कहा था, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि धर्मशाला में एक पार्क है बहुत अच्छा, वो घुमाऊँगा। अभी मैं उस पार्क के साइड से निकला हूँ, पूरा बंद था पार्क वो, ठीक है, क्योंकि लाइट्स वगैरह सारी बंद थी। अगर ऑन होती ना भाई तो मैं भी जाता वहाँ पे, आपको व्यू दिखाता कि भाई कैसा व्यू आ रहा है वहाँ का, उस पार्क का, ठीक है भाई, आप भी देख के हैरान हो जाते कि यार मतलब क्या पार्क है। ये कोरोना का कहर है भाई, ये भाई ने अभी इशारा किया कि यहाँ पे मतलब पाइन के ट्रीज जो होते हैं ना, उनकी पत्तियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे, समझ रहे हो ना, पहाड़ी हो यार तुम, समझ सकते हो यार, चीज चलाखू ठीक है, वो पड़े हुए हैं, तो इसलिए भाई ने इशारा करा कि भाई यहाँ पे धीरे हो जा, ब्रेक नहीं लगे या स्किट हो सकती है भाई। अभी ना मैंने वो भी चेक करना है इसका, हाँ ना वो इसका फ्रंट वो जो है ना लाइट का सीन, नहीं यहाँ से करता हूँ ना चेक, तू मेरे साथ पीछे पीछे इस साइड ही चलना तू, ठीक है, ताकि मेरे को भी लाइट रहे साथ में आगे, ठीक है, क्योंकि मैं इसकी वो बंद कर रहा हूँ ना थोड़ा सा आगे जाके, देखते हैं गाइस। नहीं भाई ओन है, देखो
अभी ये पता नहीं क्या मैं मतलब क्या सीन है मुझे नहीं पता, बट ऑन है यार देखो, मतलब की ऑफ है, नहीं की ऑन है और किल स्विच भी ऑफ है। ये सेफ्टी फीचर दिया है BS6 में, पहले नहीं तो ऐसा नहीं होता था, ठीक है। ये देखो गाइस, बाइक इतनी महंगी, पैसा लगाया, पैसा बर्बाद। देखो मतलब उसका भी की ऑन है सिर्फ। डीओ का जो चेसी नंबर है वो इन्होंने अब ऊपर सामने दिया। अभी अब बाइक इधर ही रोक, इधर ही रोक, ऑन रखना बाइक को। ये देखो गाइस, अभी बताता हूँ मैं। ये देखो, ये जो है ना बॉक्स जैसा दिख रहा आपको, ये इसके अंदर है चेसी नंबर। अभी तो ये मैंने डबल साइड जो टेप होती है ना उससे चिपका दिया ढंग से, लग गया। नहीं तो यार ये इस पर एक डिसएडवांटेज देखा मैंने, पहले चेसी नंबर आई थिंक इसका ना कुछ अंदर होता था, इधर इस साइड है ना। बट चल चलते चलते करता हूँ बात में, ठीक है। बट अभी क्या हुआ ना, इन्होंने जो चेसी नंबर है वो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे बिल्कुल जहाँ पे आपको मैंने अभी दिखाया, ठीक है। तो ये बॉक्स था, ये ढक्कन जैसा निकल जा रहा था, क्योंकि अभी यहाँ पे चेसी नंबर है तो ये इस पर ऐसा लॉक वगैरह तो रखेंगे नहीं, तो इन्होंने बिल्कुल लूज जैसा रखा था। तो मेरे को ये एक डिसएडवांटेज लगा, तो अभी मैंने इस पर वो डबल साइडेड टेप लगा के चिपका दिया हुआ है, आराम से नहीं निकलेगा, ठीक है। पता नहीं यार ये यहाँ पे देना ज़रूरी था नहीं था, अभी तक तो मेरे को यही एक डिसएडवांटेज लगा। और एक ये कि भाई इसमें साइड स्टैंड सेंसर नहीं है, ठीक है। आई थिंक मैंने उस वीडियो में कहा था कि इसके अंदर साइड स्टैंड सेंसर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चाहे डीलक्स वर्जन ले लो, चाहे स्टैंडर्ड वर्जन ले लो, किसी भी वर्जन में नहीं है वो, ठीक है, होंडा में। और एक इसमें चार्जर का पोर्ट नहीं है, कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है। एक्सटर्नल लगाना चाह रहे हो तो वो आफ्टर मार्केट सब कुछ लग जाता है, ठीक है, तो वो लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कंपनी के थ्रू ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ रिव्यूज़ थे, और बाकी मैंने इसकी लाइट का भी टेस्ट करना था, क्योंकि जिससे मेरे को याद आया कि मेरी बाइक की लाइट तो मतलब ऐसे चल पड़ती, तो इसका भी, तो इसका आई थिंक बैटरी से ही कनेक्ट है इसकी लाइट। और अभी गर्मी लगने लगी यार, गर्म हवा आ रही है आगे से तो। और बाकी GoPro की जो क्लैरिटी है वो भी लग गया होगा हमें पता, वीडियो क्वालिटी का, कि रात के टाइम कैसी है। मैंने नाइट मोड पे बनाई है ये वीडियो, ठीक है, क्योंकि अगर नॉर्मल मोड पे बनाता तब तो भाई अच्छी नहीं आनी थी जितनी क्लैरिटी अभी आ रही है ना, इससे बिल्कुल लो आनी थी। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो गाइस लाइक कर दो, शेयर कर दो, बहुत बहुत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। और गाइस साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, अपने भाई को कर लो यार फॉलो, नीचे लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ कहीं पे स्क्रीन पे मेरा हैंडल आ रहा होगा इंस्टाग्राम का, तो फॉलो करो। और बाकी मिलता है तुम्हारा भाई अगली किसी एक और नई वीडियो में।